मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन, दो चार मीडियम साइज का प्याज, टमाटो, गरम स्पाइसेस, तेज पत्ता, मिर्ची, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, जीरा, दो लहसुन की दरपोटी और तेल, नमक। अब इसमें मैं तेल डालूंगी। थोड़ा तेल ज्यादा डालूंगी, चिकन में थोड़ा टेस्टी लगता है तेल। अब ये इसका मीडियम हाई कर दूंगी ताकि ये जल्दी से। अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़े चम्मच जीरे। अब इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता, दो सूखी मिर्च और गरम स्पाइसेस। अब इसमें जाएगा प्याज। मैं इसमें प्याज थोड़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा कलर आने तक का वेट कर। अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। अब इसको ब्राउन लेने तक मैं फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं लहसुन का पोटी डाल दूंगी, इसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं चिकन डाल देती हूँ ताकि ये दोनों साथ में सीजे। एक बड़े चम्मच नमक ताकि ये अच्छा से पक जाए। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूंगी, नमक से अच्छे से ये पक जाएगा। अब मेरा चिकन हल्का फ्राई हो गया, उसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। इससे फिर ढक के इसको मैं पका दूंगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। एक बड़े चम्मच, मैं भूल गई थी सॉरी, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको ढक देती हूँ पकने तक। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच हल्दी। ये एक बड़े चम्मच चिकन मसाला। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अब ये मैं धनिया पाउडर डालूं एक बड़े चम्मच। अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। मेरा मसाला मिक्स हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। मेरा चिकन अब फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें कूटा हुआ मैं अदरक डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ।
और मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ। मेरा चिकन फ्राई हो गया। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता डाल दूँ। अब इसमें मैं धनिया पत्ता डालूं। पानी मैं नहीं डालूंगी, ये चिकन मसाला है ना भुना हुआ, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूं। आप लोग को पानी डालने का मन है तो आप लोग डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार से पानी डालकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मेरा चिकन भुनन मसाला तैयार हो गया है। अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।